नमस्कार माय फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज की वीडियो बना रही हूँ मैं। मैंने ना एक यूट्यूब पे एक ट्रिक देखी थी, वो ट्रिक थी, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि ये हमारी प्रेस है, हम प्रेस करते हैं तो ये नीचे से कैसी हो जाती है, काली हो जाती है बिल्कुल। और उस वीडियो में दिखाया गया था एक ऐसी चीज़ है जिसको लगाने से 5-6 मिनट अगर हम लगा के उसे छोड़ दें तो ये थोड़ी देर में अपने आप साफ़ हो जाती है। तो देखते हैं वो ट्रिक काम करती है या नहीं करती है, अगर करती है तो कितना काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। तो ये देखिए, ये है प्रेस, सही बन रहा है, ये है प्रेस। तो उस वीडियो में मैंने देखा था कि वहाँ पे उन्होंने लिया था कोलगेट और मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेड पेस्ट। अब देखते हैं ये वर्क करता या नहीं करता, क्योंकि मेरे पास यही है और उन्होंने उस वीडियो में कहा था कि आप कोई भी पेस्ट ले सकते हो। तो मैं इसे लगा देती हूँ पहले अच्छे से। खराब हो गई तो नहीं होता। चलो आज ये वाला ट्रिक भी अपना के देखते हैं। मैंने कई दिनों से सोचा था मैं बना के देखूंगी ये वीडियो। ये एक्चुअली जब हम कपड़े प्रेस करते हैं ना तो ये क्या होता है, कपड़ों पर चिपकने लगती है प्रेस, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा अगर गर्म हो जाती है तो कपड़ों पे चिपक जाती है ये। तो अगर ये साफ़ रहती है तो अगर ज़्यादा गर्म भी हो जाए तो चिपकती नहीं जल्दी से कपड़ों पर। तो इसलिए देखते हैं ये उस ट्रिक से होता है साफ, मतलब कहाँ तक सच्चाई है। और जिन्होंने ये ट्रिक बताई है उनका तो अच्छे से हो गया था साफ। अभी मैं रेड पेस्ट से करके देखती हूँ, अगर इससे हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कोलगेट से भी करके देखूँगी। तो इसे लगा के हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और प्रेस को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे हम यहाँ पे। तो इस पे ही पेस्ट अच्छे से लगाने के बाद मैं इस प्रेस को ना थोड़ा सा गरम कर लेती हूँ यहाँ पे प्लग लगा के, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 सेकंड के लिए करना है क्योंकि फिर ये सूख जाएगा नहीं तो। तो हमारे 10 सेकंड हो गए हैं, प्रेस बस हल्की सी गर्म होनी चाहिए। तो ये देखिए ये सूखना शुरू हो गया है, तो अब हम इसे कर देते हैं ऑफ। तो ये देखिए ये ना गरम है अभी, और ऑफ कर मतलब गरम करने से ना ये सूख गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे हल्का सा गीला कर लूँगी। वहाँ पे उन्होंने टिश्यू पेपर लिए थे तो मेरे पास यहाँ पे टिश्यू पेपर एक्चुअली ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हल्का सा गीला करके पेपर को इससे साफ कर रही हूँ, इसको अच्छे से रगड़ के साफ करती हूँ। इसको हम कर लेंगे अच्छे से रिमूव रगड़ के थोड़ा। इससे क्या साफ हो जाता है? तो ये पेपर हमारा हो चुका है खराब, अब हम लेते हैं दूसरा पेपर। तो ये देखिए मैंने इसे ना खूब अच्छे से रगड़ लिया है आपके सामने और ये ऐसे ही है, बिल्कुल भी नहीं उतरा है। तो लोग जो भी वीडियो बना रहे हैं ना, मुझे लगता है पागल बना रहे हैं वो, इससे तो नहीं उतरा। और अगली बार जब वीडियो बनाऊंगी मैं कोलगेट से बना के देखूंगी, देखते हैं उससे उतरता है या नहीं उतरता है, फिर आपको दिखाऊंगी। मुझे ये लग रहा है कि मेरी प्रेस खराब ही ना हो गई हो। तो चले
पता चला ये और ही चिपक जाए यहाँ पे। अब इसको छुटाना पड़ेगा अच्छे से। तो ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल भी साफ नहीं हुई है। अगर थोड़ी बहुत भी साफ हुई है तो इसमें, अगर मैंने इतना रगड़ा इसे साफ करने के लिए, तो हम नॉर्मल पानी से भी रगड़ते हैं ना, इतनी साफ तो वैसे भी हो ही जाती हो, लेकिन इससे बिल्कुल भी साफ नहीं हुई है। अब हम नेक्स्ट प्रयोग करेंगे इसके ऊपर कोलगेट का, क्या पता कोलगेट से साफ हो जाए। लेकिन उन्होंने ये बोला था अपने वीडियो में कि कोई भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इससे नहीं हुई है। अब देखते हैं कोलगेट का इस्तेमाल करके दिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कि उससे भी होती है या नहीं होती है। तो ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप वीडियो पर नए हैं, वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ।